नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। देश में आजादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही और उन्होंने जो भी फैसले लिए सभी को गेम चेंजर ही बताया, तो वहीं जो भी विपक्ष में रहे उन्होंने सरकार के सभी फैसलों को बर्बाद बताया। अब कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर विपक्ष और सरकार आमने सामने है, लेकिन इन सबके बीच किसान सड़कों पर है। किसान कृषि कानूनों की मांग को लेकर खुद ही मोर्चा बंद है, लेकिन सवाल ये है कि जब किसान के लिए बनाए गए कानूनों को लेकर किसान ही सड़कों पर हैं, तो क्यों नहीं सरकार इसे वापस लेती है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के डर की वजह क्या है, इस पूरे खेल का असली पक्ष क्या है। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दो हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस ठंड के बीच दिल्ली के दरवाजों पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक कदम भी पीछे हटने को राजी नहीं है। किसान और सरकार के बीच लगातार जारी वार्ताओं से भी बीच का रास्ता नहीं निकला है। हालांकि सरकार ने थोड़ा लचर रवैया दिखाते हुए कानून में कुछ बदलाव करने की बात कही है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का रुख साफ है, वो बार बार कह रहे हैं कि साल भर भी लगेगा तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की सबसे प्रमुख मांगे हैं, सरकार किसानों की मांग पर इस कानून को बनाने पर तो राजी नहीं है, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि MSP जारी रहेगी और सरकार किसानों से उनकी फसलों को MSP पर ही खरीदेगी। MSP को आसान भाषा में समझाएं तो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सरकारें हर साल फसल के सीजन से पहले MSP तय करती हैं। मार्केट में फसल का रेट कितना ही कम क्यों ना चल रहा हो, सरकार किसानों की फसल को MSP पर ही खरीदती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार MSP तय तो करती है, लेकिन MSP पर फसल खरीदने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, मतलब इस पर कोई कानून नहीं है। यही वजह है कि किसान इस पर कानून बनाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अगर इन 23 फसलों पर भी MSP कानून बना देती है तो भी वो इस पर राजी है। MSP पे ये कानून आएगा कि MSP से नीचे कोई भी अगर खरीद करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होगा, उसके नीचे पे देश में कोई खरीद नहीं कर सकता। किस चीज़ पर सर, गेहूँ दाल चावल किस चीज़ की? MSP सभी फसलों पर। अभी तक 23 फसलों पर मिलती है सर, 23 भी दुआ दो। MSP पर कानून बनाने से सरकार क्यों बच रही है, वो बताने से पहले आप MSP का पूरा इतिहास समझ लीजिए। 1962 में भारत चीन के साथ हुई लड़ाई हार चुका था और देश के किसानों की कमर अकाल की वजह से टूट चुकी थी। कई बार अनाज ज्यादा पैदा हो जाने की वजह से किसानों को उसका दाम कम मिलता था, तो कई बार अनाज कम पैदा हो जाने की वजह से अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती थी। उस समय भारत के पास कोई अनाज बैंक भी नहीं होता था और ना ही भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा थी, तो इसके लिए सरकार की ओर से अनाजों की कीमतों को तय करने की पहल की गई। इसी के साथ शुरुआत हुई MSP की। इसके बाद हरित क्रांति आई और भारत अनाज के मामले में सक्षम हो गया। कैसे तय होती है MSP? यह हर साल चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फिलहाल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। इसके लिए आयोग कुछ मानकों पर आंकड़े इकट्ठे करता है। देश के अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल की प्रति हेक्टेयर लागत, खेती के दौरान होने वाला खर्च और आने वाले अगले साल में होने वाला बदलाव, देश के अलग अलग क्षेत्र में प्रति क्विंटल अनाज को उगाने की लागत, प्रति क्विंटल अनाज उगाने के दौरान होने वाला खर्च और आने वाले अगले एक साल में होने वाला बदलाव, अनाज की प्रति क्विंटल बाजार में कीमत और आगे एक साल में होने वाला औसत बदलाव, किसान जो अनाज बेचता है उसकी कीमत और जो चीज़ें खरीदता है उसकी कीमत, सरकारी और सार्वजनिक एजेंसियों जैसे FCI और NAFED की स्टोरेज क्षमता, एक परिवार पर खपत होने वाला अनाज और एक व्यक्ति पर खपत होने वाले अनाज की मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस अनाज की कीमत, आने वाले साल में कीमत में होने वाला बदलाव, विश्व के बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता, अनाज के भंडारण, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का खर्च, लगने वाला टैक्स, बाजार की मंडियों का टैक्स और अन्य फायदा। अब बताते हैं सरकार की असल परेशानी। अर्थशास्त्रियों की माने तो देश में जरूरत से ज्यादा अनाज है,
किसान सिर्फ अपना अनाज बेचना चाहते हैं। किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगाकर आगे नहीं बढ़ सकते, उनको तिलहन दलहन भी उगाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे आगे क्यों नजर आ रहे हैं? तो जवाब है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का 95% अनाज MSP पर बिक जाता है, लेकिन देश के बाकी किसानों का सिर्फ 5% अनाज ही MSP पर बिकता है। अब सरकार की समस्या ये है कि सरकार अगर किसानों की फसलों को MSP पर खरीदती है तो सरकार पर 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का बोझ बढ़ जाएगा, और अगर देश के बाकी किसानों ने भी अपनी फसल को MSP पर बेचे जाने की बात कर दी तो ऐसे में फिर सरकार क्या करेगी? अगर सरकार MSP पर कानून बना देती है और 15 लाख करोड़ से ज्यादा MSP पर खर्च भी कर देती है तो देश गहरे आर्थिक संकट में चला जाएगा, क्योंकि देश का कुल टैक्स रेवेन्यू ही 16.5 लाख करोड़ का है। बाद बाकी अगर सारे किसानों ने सिर्फ MSP पर मिलने वाली फसलें ही उगानी शुरू कर दी तो बाकी फसलें कहां से आएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो यह आंदोलन कितना लंबा खिंचता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।